नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई के लिए तैयारी में जुट गई हैं। अपने इस इरादे को ममता ने शहीद दिवस के दिन खुलकर जाहिर भी कर दिया है। टीएमसी आज शहीद दिवस मना रही है और इस मौके पर ममता बनर्जी के भाषण को बंगाल से बाहर पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। ममता का भाषण दूसरे राज्यों के लोगों तक भी पहुंचे, इसके लिए कई राज्यों के प्रमुख शहरों में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात, असम, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश में ये विशालकाय स्क्रीन लगाई गई हैं और इनके जरिए ममता के भाषण का सीधा प्रसारण इन राज्यों में किया गया। ममता ने हाल ही में कहा था कि बंगाल से बाहर भी बीजेपी से लड़ने के लिए रोडमैप बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आज पेगासस जासूसी को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने मोदी सरकार को सर्विलांस स्टेट बताते हुए लोकतंत्र को खतरा बताया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि वे देश की मदद करें और देश लोकतंत्र को बचाएं। ममता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि वो इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच के लिए पैनल का गठन करें। ममता ने कहा कि अब न्यायपालिका ही देश को बचा सकती है। ममता बनर्जी ने कोरोना कुप्रबंधन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। ममता ने पीएम मोदी द्वारा यूपी के वाराणसी में योगी सरकार की कोरोना प्रबंधन की तारीफ करने पर पलटवार किया। ममता ने कहा कि वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में जब लोग मरते हैं तो गंगा में डेड बॉडी डाल दी जाती है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री। ममता ने कहा कि इनको कोई शर्म नहीं आती है। कांग्रेस केंद्र सरकार के उस बयान के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी जिसमें उसने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। पार्टी ने कहा है कि ऐसा बयान देकर सरकार ने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस महासचिव केसु वेणुगोपाल ने कहा है इस बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने का बयान दिया था। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई वाले बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये पूरा डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भेजा था, केंद्र ने अपना डेटा इकट्ठा नहीं किया था। इसलिए अगर विपक्ष कहता है कि संसद में गलत डेटा प्रस्तुत किया गया तो उनको चाहिए कि वो अपने राज्यों से पूछें कि क्या गलत हुआ। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि केंद्र सरकार ने किसी से भी नहीं कहा था कि आप कम मौतें दिखाओ या कम मामले बताओ। ऑक्सीजन की कमी के डेटा को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के संबंध में कोई डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की जांच के लिए समिति बनाने की अनुमति ही नहीं दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज असम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सीए और एनआरसी से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। भागवत ने कहा कि सीएए भारत के नागरिकों के विरुद्ध बनाया गया कानून नहीं है बल्कि इसके जरिए पड़ोसी देशों में शोषित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1950 के नेहरू लियाकत संधि में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रत्येक देश अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा। भारत इसका अनुसरण कर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पेगासस स्पाइवेयर से फोन टैपिंग पर जासूसी के मामले पर शिवसेना ने कहा है ये सीधे सीधे जासूसी करने का मामला है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये हुआ है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि देश और लोकतंत्र को बदनाम करने की ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। शिवसेना ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा ऐसा बयान दिया जाना आश्चर्यजनक है। देश को बदनाम निश्चित तौर पर कौन कर रहा है ये गृह मंत्री बता सकते हैं क्या? शिवसेना ने कहा कि सरकार आपकी, देश और लोकतंत्र आपका, फिर ये सब करने की हिम्मत किसमें हुई? शिवसेना ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। राष्ट्र के चार स्तंभ के रूप में जिनसे अपेक्षा रखी जाती है उन सभी पर नजर रखी गई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि देश के नागरिकों का पैसा उन पर नजर रखने के लिए व उनका फोन हैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसे राष्ट्रभक्ति का कौन सा प्रकार माना जाए? शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि अब पेगासस जासूसी प्रकरण की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे प्रकरण की जांच जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कराई जाए, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच समिति नियुक्त की जाए। शिवसेना ने कहा कि देश एक अंधेरे गर्त में फंस गया है। मुट्ठी भर लोग आपातकाल लादने जैसा काला दिन हर साल मना रहे हैं। पेगासस का हमला आपातकाल से ज्यादा भयंकर है। पेगासस के असली बाप हमारे देश में ही हैं, उन्हें ढूंढो। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी करने के मामले में केंद्र सरकार बुरी तरह घिरती जा रही है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की है।
इसके साथ ही उसने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में श्वेत पत्र जारी करे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह जैन हवाला कांड की जांच की गई थी, ठीक वैसी ही जांच इस मामले की भी होनी चाहिए और सरकार पूरे मामले पर एक श्वेत पत्र पेश करे। सिब्बल ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच बंद कमरे में होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की सियासी जंग में दोनों ओर से ताकत दिखाने का खेल जारी है। कैप्टन खेमे की ओर से यह बयान आने के बाद कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगते, अमरिंदर सिंह उनसे नहीं मिलेंगे, सिद्धू ने अमृतसर में अपनी सियासी ताकत दिखाई है। बुधवार को सिद्धू के अमृतसर स्थित आवास पर कांग्रेस के 60 विधायक जुटे। पंजाब में कांग्रेस के 80 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कैप्टन के करीबी भी उनका साथ छोड़कर सिद्धू के साथ आने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।